वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। हमें ये हमेशा से ही बचपन से ही पढ़ाया जाता रहा है कि हमारी बॉडी को हमारा माइंड कंट्रोल करता है और माइंड ही हमारी बॉडी के सारे काम करने के लिए सिग्नल सेंड करता है। विदाउट माइंड वी कांट डू एनीथिंग, और बिना दिमाग के हम जिंदा भी नहीं रह सकते, राइट? ऐसा ही पढ़ा था हमने। बट हमारे दिमाग में ये थॉट बहुत बार आता है कि फिर ये आत्मा क्या होती है, ये हमारी बॉडी में कहाँ एग्जिस्ट करती है, और टीवी में हम देखते हैं कि आत्मा के निकलते ही बॉडी डेड हो जाती है। सोल को रिलीजियस कंसेप्ट मानते हैं, साइंटिफिक थियोरीज अभी भी पुख्ता तौर पर सोल या आत्मा पर बिलीव नहीं करती। तो चलो देखते हैं कि सोल एग्जिस्ट करती है या नहीं। ईयर 1638, सेंट्रल फ्रांस, रेने डिकार्टे, फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, मैथमेटिशियन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। रेने डिकार्टे मैथ्स, फिलोसफी, म्यूजिक, एस्ट्रोनॉमी, एथिक्स, साइंस एंड मेटाफिजिक्स जैसे काफ़ी सारे फील्ड्स में स्कॉलर थे। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसफी, मैथमेटिशियन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी कहते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इन्हीं की देन है। तो एक रात बारिश के मौसम में रेने डिकार्टे ने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा, मैं कौन हूँ, हु आई एम। उसी रात उन्होंने अपना फेमस फिलोसफिकल थॉट का आगाज किया, विच इज कॉल्ड कार्टेशियन डाउट। तो इस थॉट में उन्होंने क्या कहा कि सेंसेस से एक्सपीरियंस की हुई चीज़ों को हम नॉलेज नहीं कह सकते, क्योंकि नॉलेज का सर्टेन मतलब है निश्चितता, और जो कुछ भी हम सीखते हैं या नॉलेज गेन करते हैं वो हम अपनी सेंसेस से सीखते हैं, और जो कुछ भी हम अपनी सेंसेस से सीखते हैं वो निश्चित कैसे हो सकता है, बिकॉज सेंसेस कैन डिसीव। और हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारी सेंसेस से हमें वही सब दिखाई दे रहा है जो असल में है। हमें किसी भी चीज़ के बारे में सिर्फ तभी पता हो सकता है जब हम निश्चित हैं कि वो सच है। हमें वो चीज़ भी दिखाई या सुनाई दे सकती है जो होती ही नहीं है, और दूर की चीज़ें भी हमें अलग दिखाई दे सकती हैं। इसका मतलब सेंसेस हमें झूठ भी दिखा सकती हैं। कभी कभी सपने से जागने के बाद आपको पता चलता है कि आप अभी भी सपना ही देख रहे हैं। तो हमें इस बात की क्या श्योरिटी है कि हम अभी भी जाग ही रहे हैं और सपना नहीं देख रहे? उसने सोचा कि दो और तीन सपने में भी पाँच ही होते हैं। मैं मैथमेटिशियन हूँ, गलती कैसे कर सकता हूँ या कर सकता हूँ? वेल, ये भी नहीं कह सकते कि रेने डिकार्टे को लगा कि क्या पता डिसीव्ड सेंसेस से हर बार 2+3 4 ही हो जाता हो। और अगर ऐसा है तो हर किसी चीज़ पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए हर चीज़ की एग्जिस्टेंस पर डाउट कर सकते हैं। हो भी सकता है कि भगवान भी एग्जिस्ट ना करते हो, क्या पता जो भी हम सब देख रहे हैं वो भी भ्रम हो, और क्या पता कुछ भी एग्जिस्ट ना करता हो। पर ऐसा कुछ है जिसकी एग्जिस्टेंस पर हम डाउट नहीं कर सकते? हाँ, थॉट्स। रेने डिकार्टे ने कहा, सब कुछ झूठ हो सकता है पर विचार नहीं। रेने डिकार्टे को एहसास हुआ कि किसी भी चीज़ के बारे में हम श्योरिटी नहीं दे सकते, पर थॉट्स, चाहे वो कितनी भी अनबिलीवेबल हों, प्रूव्स दैट दे एग्जिस्ट। थॉट्स के विचारों के एग्जिस्टेंस को झुठलाया नहीं जा सकता। उसके बाद रेने डिकार्टे ने अपना वर्ल्ड फेमस फिलोसफिकल स्टेटमेंट दिया, आई थिंक देयर फॉर आई एम। तो इससे दुनिया को आइडिया मिला कि सब कुछ झूठ हो सकता है बट थॉट्स नहीं। दैट इज वाई मे बी वी आर थॉट्स। तो चलो अब फिलोसफिकल व्यू पॉइंट से समझा, अब साइंटिफिक व्यू पॉइंट से भी। एक डिवाइस है EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, जो कि शायद आप में से काफ़ी लोगों ने देखी हो। इस डिवाइस में ह्यूमन हेड पे इलेक्ट्रोड्स लगा के ब्रेन एक्टिविटी को नापा जाता है। अब इस डिवाइस से पता चला कि अलग अलग काम करते वक्त ब्रेन की अलग अलग पार्ट एक्टिवेट होते हैं, और हर पार्ट के हर एक्टिविटी करने वक्त डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, जो कि बीटा, अल्फा, गामा, थीटा, डेल्टा वेव्स। तो ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स एक्टिवेट होने की वजह से हम अलग अलग काम कर पाते हैं। तो हम ब्रेन हैं, राइट? हेंस प्रूव्ड। बट क्या सच हमारा दिमाग है जो हमारी बॉडी को मूव करता है और सब कुछ सोचता है? वेल, लेट्स फाइंड आउट। डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड, एक जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट, तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया ये प्रूव करने के लिए कि ब्रेन ही सब कुछ कंट्रोल करता है एंड देयर इज नो सोल। उन्होंने एक आदमी को चेयर पे बिठाया, उसके सर पर इलेक्ट्रोड्स लगाए जो EEG मशीन में होते हैं, सो दैट ही कैन ट्रैक ऑल द ब्रेन एक्टिविटीज ऑन द कंप्यूटर। तो उन्होंने इस आदमी को बोला कि अपना राइट हैंड उठाओ, तो उसके ब्रेन में कुछ एक्टिविटी हुई। उन्होंने इस एक्टिविटी को कंप्यूटर पर ट्रैक किया,
फिर उन्होंने इस आदमी से कहा कि अपना राइट हैंड दोबारा उठाओ। एंड फिर से कुछ एक्टिविटी हुई और उन्होंने फिर से कंप्यूटर पर उस एक्टिविटी को ट्रैक किया। तीसरी बार राइट हैंड रेज करने को कहा और फिर एक्टिविटी हुई और दोबारा उस एक्टिविटी को कंप्यूटर पर ट्रैक किया। फिर फोर्थ टाइम डॉक्टर ने इलेक्ट्रिकल वेव्स उसके ब्रेन के उसी पार्ट में ट्रांसमिट की, तो वही पार्ट एक्टिवेट होने की वजह से अपने आप उसका राइट हैंड उठ गया। दोबारा जब इलेक्ट्रिकल वेव्स पास की गई फिर उसका राइट हैंड उठ गया, और तीसरी बार इलेक्ट्रिकल वेव्स पास की तो फिर उसका राइट हैंड उठ गया। तो अब डॉक्टर पेनफील्ड ने आकर उस व्यक्ति से पूछा, कितनी बार तुमने अपना राइट हैंड उठाया? तो आदमी कहने लगा कि मेरा हाथ तो 6 बार उठा है, पर पहले 3 बार मैंने खुद उठाया और अगले 3 बार मेरा हाथ अपने आप उठ गया। और यही एक्सपेरिमेंट डॉक्टर ने बहुत सारे लोगों पर किया और सभी यही कहते थे कि पहले 3 बार तो मैंने उठाया पर अगले 3 बार तो हाथ खुद ही उठ गया। तो डॉक्टर वाइल्डर पेनफील्ड को पता लगा कि देयर इज समथिंग इन आवर बॉडी विच यूजेज आवर ब्रेन टू कंट्रोल आवर बॉडी। सो इससे प्रूफ होता है कि ब्रेन के अलावा भी कोई ऐसी चीज़ है जो सोच सकती है। अगर आत्मा नहीं होती तो एक मरे हुए इंसान में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट करके उसे चला सकते थे, क्योंकि एक जिंदा इंसान में भी वही केमिकल्स एंड ऑर्गन्स होते हैं जो मरे हुए इंसान में होते हैं, पर मरा हुआ इंसान कभी भी फील नहीं कर सकता और ना ही वो सोच सकता है। कोमा पेशेंट्स, जिन्हें हम ब्रेन डेड पीपल भी कहते हैं, उनके दिमाग में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ब्रेन एक्टिविटीज एंड इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस होती हैं, इसलिए वो अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं पर फिर भी जिंदा रहते हैं और सब इमोशंस को फील कर सकते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर एट्सेट्रा, बिकॉज इट्स अ सोल दैट फील्स। रॉजर लोन एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने एक आर्टिकल में न्यूरोलॉजिस्ट जॉन लॉबर के थीसिस के बारे में बात की। जॉन लॉबर के पास ऐसे पेशेंट्स आते थे जिनके पास या तो जन्म से दिमाग नहीं था और या किसी एक्सीडेंट में उनके दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा निकालना पड़ा, पर फिर भी वो अपने सारे काम नॉर्मल इंसान की तरह कर पा रहे थे। इसलिए रॉजर लोन ने एक आर्टिकल लिखा जिसका नाम था इज ब्रेन रियली नेसेसरी, बैरो न्यूरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, फिनिक्स, एरिजोना। 35 साल के सिंगर सॉन्ग राइटर पैम रेनॉल्ड्स का एक गंभीर एक्सीडेंट में उनके ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ी। जब उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी ब्रेन एक्टिविटी बिल्कुल जीरो थी और ना ही ब्रेन में कोई ब्लड फ्लो हो रहा था, सो क्लिनिकली शी वॉज डेड। पर फिर भी डॉक्टर्स ने उन्हें एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर में रखा और हार्ट पल्स को भी नियरली जीरो कर दिया। ऑपरेशन के बाद पाम रेनॉल्ड्स बच गई, पर होश में आने के बाद उन्होंने एक बात बताई जिस बात को सुनकर सभी शॉक रह गए। उन्होंने कहा, जैसे ही उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया वो अपनी बॉडी से बाहर निकलकर हवा में उड़ने लगी और वो अपनी ही बॉडी को ऑपरेट होते हुए देख सकती थी। और ऑपरेशन के बाद उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स ने कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए और वो क्या बातें कर रहे थे। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि ना तो हम थॉट्स हैं और ना ही हम ब्रेन हैं।